जिला मंडी के पंडोह सीनियर सेकेंडरी के जमा दो के एक दिव्यांग छात्र चंद्रदेव और उसकी सहपाठी सुनीता के भिंगणधार गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस की नाकामी को लेकर किसान बचाओ अभियान कार्यकर्ता ग्रामवासियों से चंद्रदेव के माता पिता के साथ मंडी में जोरदार प्रदर्शन करके पुलिस विधायक व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने एडीएम राजीव कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद एसपी मंडी का घेराव किया। एसपी मंडी अशोक कुमार ने लंबी चर्चा के बाद मामले की नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन एएसपी भूपिंदर कंवर की अगुवाई में कर दिया। दिवंगत चंद्रदेव की माता हेमलता ने बताया कि दोनों बच्चों की भिंगणधार गांव में मौजूदगी और उसके मृत्यु के समय के बीच रहस्यमयी परिस्थितियों के बारे में पुलिस खामोश है। उनके बेटे और उनकी सहपाठी सुनीता 24 मार्च 2017 को भिंगणधार गांव में रहस्यमयी परिस्थितियों में गुमशुदा होने की सूचना देने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के एकमात्र गवाह मनोज कुमार को बार बार टॉर्चर करने 30 मार्च 2017 को भिंगणधार गांव के ठीक नीचे ब्यास नदी में बहुत ही कम पानी में दोनों के शव बरामद होने के हत्याकांड मामले की जांच पुलिस द्वारा संदिग्ध और लच्चर रवैये को लेकर मामले की एक सप्ताह के भीतर यदि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की गुहार लगाएंगे। पुंडो के समीप गांव सप्रे के चंद्रदेव की माता हेमलता ने बताया कि उनके बेटे चंद्रदेव और उनकी सहपाठी सुनीता का जमा एक की वार्षिक परीक्षाओं का गत 24 मार्च 2017 को 2 से 5 बजे आखिरी पेपर था। पेपर देने के बाद मेरा बेटा उनके भतीजे मनोज के साथ बाइक पर भिंगणधार गांव के रहने वाली उसकी सहपाठी सोनिया के आग्रह पर उसके गांव तक छोड़ने के लिए गए। चंद्रदेव की माता हूँ और सप्री गांव के रहने वाले हैं हम। और मेरे बेटे चंद्रदेव की जैसे स्कूल को गया था उसकी डेथ वगैरह हुई थी उसके उस मामले में हम यहाँ एस पी साहब के पास आए थे और उन्होंने इसके लिए नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए बस यही कि बच्चों के लिए न्याय मिले, इंसाफ मिले, बच्चों को दोबारा से जांच हो। उन्होंने कहा कि दोबारा से हम इस नए सिरे से इस केस की कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से गत 24 मार्च को वहाँ पंडोह में प्लस वन की का जो छात्र थे चंद्रदेव और उनकी जो सहपाठी थी प्लस वन की बच्ची उनका बड़ी संदिग्ध हालत में जो वहाँ उनकी हत्या हुई या क्या वहाँ हुआ उसको लेकर के लगातार वहाँ के लोग संघर्षरत रहे। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से इसी मामले में मिले। कुल्लू में जो निर्भया कांड हुआ वहाँ भी ये मामला उठाया गया, मंडी में भी उठाया गया। तो अब जो नए एसपी साहब यहाँ आए हैं अशोक सर, तो इन्होंने तमाम जो पूरी डिस्कशन के बाद इन्होंने अब एसआईटी जो यहाँ के एडिशनल एसपी साहिबान है उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये जो एसआईटी बनी है ये नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी कि किस तरह से वहाँ स्कूल से मामला वो ये लोग गए और वहाँ एकदम से गायब हो गए उसके बाद इनकी डेड बॉडी जो नदी में पाएगी। तो ये जो मामला पूरे मंडी जिला में लगातार चर्चा का विषय रहा है।